तो जैसा कि मैंने बता दिया, हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के आज क्वेश्चंस करेंगे, और फिर कोलिजन्स के क्वेश्चंस और जो हमारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के क्वेश्चंस हैं जिसमें ड्रैग फोर्स और एयर रेजिस्टेंस होता है वो कल करेंगे। ठीक है, टारगेट हमारा आज होगा तकरीबन 20 क्वेश्चंस करने का। चलो सर, आई होप एवरीवन हैज रेड द क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड कर लिया है, समझ में आ रहा है कि वो आपसे मांग क्या रहे हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। कैन एनीवन टेल मी कि प्रैक्टिकली ये क्या चीज है जो थोड़ी बहुत अम्यूजमेंट के लिए भी यूज करते हैं, ये जो एग्जैक्ट फिनोमेना यहाँ पे हो रहा है ये कहाँ पे यूज करते हैं लोग, प्रैक्टिकली ये चीज कहाँ पे इस्तेमाल होती है। आप लोगों ने वो देखे हैं जेट पैक्स, जो जिसमें नीचे से पानी निकल रहा होता है, पानी का जेट निकल रहा होता है और बंदा जो अपने आप को उसमें बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो जो आपके जेट पैक्स होते हैं नीचे से वाटर निकल रहा होता है, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है, बस उसका थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन बनाया हुआ है। तो ये जो चीज़ है ये काइंड ऑफ लेविटेट कर रही है, राइट, बीच हवा में लेविटेट कर रही है, लेकिन हाउ इज दैट पॉसिबल कि ये बीच में हवा में लेविटेट करेगी ये चीज़, ये जो प्लैंक है, ये जो प्लेटफॉर्म है, कैसे ये बैलेंस, क्योंकि इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक इस बंदे की ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लग रही है जो इसके वेट के बराबर है, और दूसरी फोर्स जो है वो इस पे इसलिए लग रही है क्योंकि इसमें से जो पानी बाहर निकल रहा है उसकी वजह से इस पे एक ऑपोजिट फोर्स लग रही है निकलते हुए पानी की वजह से। आपको पता है कि आप अपने हाथ में जब बुलेट रखते हो, बुलेट गन से बुलेट फायर करते हो तो गन का रिकॉयल आता है, इसी तरह जब पाइप में से बहुत प्रेशर से पानी निकलता है तो उससे बैकवर्ड एक फोर्स रिसीव होती है। तो इस प्लेटफॉर्म पे ऊपर से जो फोर्स लग रही है उस बंदे के वेट की वजह से, और नीचे से जो ऊपर फोर्स लग रही है वो है इस जेट ऑफ वाटर के निकलने की वजह से। अब ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये बराबर हैं, बिकॉज इन्होंने कहा है रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स ऑन द प्लेटफॉर्म इज जीरो, रिजल्टेंट इज जीरो, तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं। अब हमें ये पता है कि बंदे का जो मास है कितना है, 96 kg है, मैन एंड प्लेटफॉर्म का जो कंबाइंड मास है वो 96 kg है, तो इस पे जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है वो कितनी हो जाएगी, 96 × 9.81 कितनी हो जाएगी बेटा, 96 × 9.81 ये हो जाएगी हमारे पास 941.76 N, 76 N, ये है हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स। हमसे पूछा गया है कि पानी किस स्पीड से बाहर आ रहा है, हमसे ये पूछा गया है, लेकिन उसके लिए आप फिगर आउट ये समझो बात को, ये करो कि बेटा अगर इस पर डाउनवर्ड फोर्स इतनी लग रही है तो इसका मतलब इस पर जो अपवर्ड फोर्स लग रही है वो भी कितनी है, उतनी है जितनी डाउनवर्ड फोर्स थी, बिकॉज द रिजल्टेंट इज जीरो। तो ये बात अगर आप समझ जाते हो, अब आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि पानी कितनी स्पीड से बाहर आ रहा है। उन्होंने हमें ये तो बता दिया कि 1 सेकंड में कितना पानी बाहर आ रहा है, उन्होंने कहा कि 1 सेकंड में पानी 40 kg जो है वो पानी बाहर आ रहा है, सो फ्लो रेट वाटर का क्या है, 40 kg/s। हमें यह निकालना है कि कितनी स्पीड से वाटर जो है वो बाहर आ रहा है, सो एसेंशियली इस फोर्स को मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम से इक्वेट किया जा सकता है। अब ये आप लोगों ने कौन सा, ये सेकंड लॉ की एप्लीकेशन है ना, क्या पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, फोर्स इज चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टाइम, ऐसे ही है। चेंज ऑफ मोमेंटम को आप किस तरह देखते हो, यूजली यू लुक एट इट दिस वे, mv − mu/T। इन्होंने कहा है 1 सेकेंड, राइट, ईच सेकेंड की बात उन्होंने की है, तो क्या मैं टाइम को 1 अज्यूम कर सकता हूँ। अब मुझे पता है कि पानी जो बाहर आ रहा है उसकी फाइनल स्पीड को तो मैं निकालना चाह रहा हूँ, इनिशियली जो स्पीड थी वो काइंड ऑफ जीरो अज्यूम की जा सकती है, क्योंकि पानी जो है वो हॉरिजॉन्टल से फिर एकदम से जो है वो वर्टिकली यहाँ से बाहर आता है, तो एक इनमें से इनिशियल या फाइनल में से किसी भी एक को आप जीरो अज्यूम कर लो, राइट, और ये अज्यूम कर लो कि पानी जो स्पीड से बाहर आ रहा है बस वही उसकी खाली स्पीड है, बाकी दूसरी वाली जो स्पीड है उसको आप जीरो अज्यूम कर लो, राइट, क्योंकि उसका कोई पानी की जो वेलोसिटी का कोई वर्टिकल कॉम्पोनेंट नहीं है बिफोर एक्चुअली यू नो गोइंग थ्रू दिस बेंड, पानी पहले इस तरह ट्रेवल कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यार मास तो अननोन है, सॉरी मास तो पता है पानी का कितना बाहर आ रहा है 1 सेकंड में, 40 kg बाहर आ रहा है, हाँ वेलोसिटी नहीं पता कितनी है, और इनिशियल वाली जो है वो आप जीरो कह सकते हो, 40 × 0, सो दैट्स जीरो, और यहाँ पे आपके पास ये फोर्स है। अब आपको फोर्स पता है कितनी है, 941.6।
आपको मास पता है 40 आपने यहाँ पे डाल दिया और टाइम आपने 1 डाल दिया, एसेंशियली जस्ट हैव टू फाइंड वी. सो यू विल जस्ट राइट डाउन योर इक्वेशन, 941.76 इज इक्वल टू 40 वी. 1 भी यहाँ पे सिंप्लीफाई होकर खत्म हो गया. अब आपने से 40 को वहां जाकर डिवाइड करना है, तो वी की वैल्यू क्या आती है? आपका आंसर आता है 23.5 मीटर्स पर सेकेंड. सो हम अज्यूम कर लेते हैं कि 24 हमारा आंसर है, विच इज करेक्ट, यही आंसर है हमारे पास. ठीक है, सो होपफुली समझ में आ गई बात. असेंशियली ये जो इक्वेशन है बस इसी को अप्लाई करना था यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है. जी बेटा, सर, आपने सर वाटर का मास एक इस्तेमाल किया, वाटर का ही लाइक मास, फोर्टी पानी यहाँ से बाहर आ रहा है ना, पानी का ही तो मोमेंटम है, पानी का जो मोमेंटम चेंज हो रहा है उसी की वजह से तो पानी जो है वो फोर्स लगा रहा है प्लेटफॉर्म पे. पानी का मोमेंटम चेंज हो रहा है इसका मतलब पानी पे लग रही है डाउनवर्ड फोर्स, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर पानी पे डाउनवर्ड फोर्स लग रही तो पानी प्लेटफॉर्म पे एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा होगा. इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन वाली बात. जी सर। ठीक है, ओके. क्वेश्चन टू अब आप मुझे करके बताएंगे. ये क्वेश्चन कोई हैवी कैलकुलेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बट इसमें एक बहुत की कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे आपका टेस्ट होगा. सो ये वाला क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, मैं वेट कर रहा हूँ. लेकिन थोड़ा सा स्पीड में हमने काम करना है तो मैं 2 मिनट मैक्सिमम दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता. सोहा ए नहीं है बेटा, दोबारा ट्राई करो. ए नहीं है यहाँ पे. साइंस को आपने कंसिडर करना है, उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आपको नहीं लगा के दिए हुए, आपको उसे कंसिडर करना पड़ेगा. ओके, पहली बात तो यहाँ पर क्या समझनी है कि बॉल पे रिजल्टेंट फोर्स लग रही है 25 की, और द बॉल इज इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड फॉर 0.02 सेकेंड्स. सो यू कैन कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम फ्रॉम दैट, बिकॉज वी हैव स्टडीड फोर्स इज चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम. सो 25 × 0.020, और इससे चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाएगा, और वो कितना आता है, 0.50. ये आ रहा है आपका चेंज ऑफ मोमेंटम. तो बॉल का जो मोमेंटम है वो 50 चेंज होगा, 0.5 चेंज होगा. अब अगर आप सबका डिफरेंस देखो तो यहाँ पे आपको डिफरेंस 0.5 नजर आ रहा है, बट ये आंसर क्यों नहीं है इसकी वजह समझने की जरूरत है. आपको ये समझने की जरूरत है बेटा कि इसमें से एक मोमेंटम जो है वो आप पॉजिटिव और एक को नेगेटिव कंसिडर करना जरूरी है. अब आपकी मर्जी, आप किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव कंसिडर करो, दैट्स अप टू यू. लेट्स जस्ट से कि हम इसको पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि अपवर्ड्स है, और इसको नेगेटिव कंसिडर कर लेते हैं. अब इस हिसाब से नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द टू मोमेंटम्स. क्यों मैं इसको पॉजिटिव और नेगेटिव कंसिडर कर रहा हूँ, बिकॉज डायरेक्शन ऑपोजिट है. तो अब मैं यहाँ पे सबके साथ प्लस साइन लगा देता हूँ जितने भी हैं, और जितने भी यहाँ पे, इनके साथ माइनस साइन लगा देता हूँ. नाउ इफ यू फाइंड आउट देयर डिफरेंस, नाउ वेन यू लुक एट द चेंज ऑफ मोमेंटम, अब देखोगे 0.5 कौन सा आ रहा है. डेफिनेटली ए नहीं आ रहा, राइट? ए नहीं आ रहा, क्योंकि एक अब यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे तो 0.8 आएगा, और डी का भी निकालोगे तो 0.8 आएगा. तो ए और डी तो वैसे ही निकल गया. लेकिन अब बी और सी में से कैसे चूज करें, यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस जरूरी होगा. यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस जरूरी होगा. क्या बॉल का
बॉल का जो मोमेंटम है वो पहले ज्यादा होना चाहिए, बाद में ज्यादा होना चाहिए? थोड़ा सा सोचो इस बात पे, बॉल आके जमीन पे गिर रही है, जमीन को हिट करके ऊपर जा रही है, क्या चीज पॉसिबल है? बाद वाला मोमेंटम क्या पहले वाले मोमेंटम से ज्यादा हो सकता है या पहला वाला ज्यादा होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड? सर बात वाला ज्यादा होना, बाद वाला कैसे ज्यादा होना चाहिए बेटा? मैजिक बॉल तो नहीं है। बॉल कभी भी जिस स्पीड से हिट करी ग्राउंड को, क्या उससे ज्यादा स्पीड से कभी भी रिबाउंड कर सकती है क्या? कम से तो कर सकती है, बराबर स्पीड तो हो सकती है, लेकिन ज्यादा तो नहीं हो सकती। डज दैट मेक सेंस? लाइक ऐसा हो सकता है कभी कि आपके एक बास्केटबॉल को अपने अपने चेस्ट हाइट से ड्रॉप करो और बॉल आपके हेड हाइट पे वापस रिबाउंड कर जाए, अनलेस यू आर एक्चुअली पुशिंग द बॉल? दैट्स नॉट पॉसिबल। सो कॉमन सेंस ये कहता है कि पहला वाला मोमेंटम मैग्नीट्यूड में ज्यादा होना चाहिए, और जो रिबाउंड करने के बाद जो मोमेंटम है वो फिर भी थोड़ा बहुत कम होगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, क्योंकि थोड़ी बहुत एनर्जी बॉल लूज कर सकती है, राइट? लेकिन ये नहीं पॉसिबल कि बॉल मोमेंटम जो है यहाँ पे या एनर्जी जो है वो गेन कर ले ग्राउंड को हिट करने के बाद। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसलिए अब आपको जो चूज यस करना पड़ेगा वो सी चूज करना पड़ेगा। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस। इसमें दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, एक तो साइन वाला, क्योंकि अपेरेंटली देखने में ए और डी पहले सही लग रहे थे, लेकिन जब आप साइन लगाते हो तो आपको पता लगता है कि ए और डी तो बल्कि गलत है। और फिर बी और सी में से अब आपने चूज जब करना है तो आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है कि यार बॉल का एनर्जी जो है या बॉल का स्पीड जो है वो रिबाउंड होने के बाद ज्यादा नहीं हो सकता। आई होप दैट्स क्लियर। ओके, अब आप क्वेश्चन थ्री करेंगे और फिर मुझे इसका आंसर बताएंगे। आसान है ये क्वेश्चन, करो, मैं एक सेकेंड आ रहा हूँ। ये आसान क्वेश्चन है रिलेटिवली। आ जाओ, व्हाट आर वी डूइंग ओवर हियर? पहले प्रेशर और फोर्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और हम क्या कह सकते हैं कि भाई प्रेशर इज फोर्स ओवर एरिया, सो एसेंशियली फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, और प्रेशर क्योंकि 1 × 10^-5 है और एरिया जो है वो 20 है, तो आपके पास जो फोर्स हो गई वो 20 × 10^-5 न्यूटन हो गई। अब उसके बाद वो कह रहे हैं आप एक्सेलरेशन निकाल दो, तो एफ इज इक्वल टू एम ए को रीअरेंज करो और उसको आप एरिया मास से डिवाइड करोगे यहाँ पे फोर्स को, तो क्या आ जाएगा? मेरे पास आ रहा है जी 6.25। और ये हो गया जी बी। आसान क्वेश्चन था, तो आसान क्वेश्चन पे हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें कुछ मुश्किल क्वेश्चन भी मिलेंगे जिसमें हमें ज़्यादा टाइम लगाना पड़े, राइट? दिस इज अ क्वेश्चन दैट डज नॉट इन्वॉल्व कैलकुलेशन, बट यू स्टिल नीड टू लुक एट अ फॉर्मूला इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। फोर को अब मुझे जवाब दो, बट आई वुड हाईलाइट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टफ। यू डोंट नीड टू कैलकुलेट एनीथिंग। अनस बेटा, फोर्स डेंसिटी और प्रेशर का जो चैप्टर है वहां पे ये सवाल आ सकता है, लेकिन ऊपर वाला सवाल, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि एक्सेलरेशन वाले सवाल उस चैप्टर में नहीं होते। उस वाले सवाल में, उस वाले चैप्टर में सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के होते हैं, जिसमें सारी चीजें स्टैटिक होती हैं, मूव नहीं कर रही होती, इक्विलिब्रियम में भी होती हैं और एट रेस्ट होती हैं। ये जो चैप्टर है डायनामिक्स का, इसका नाम ही डायनामिक्स इसलिए क्योंकि इसमें आप सारी चीजें आपके पास मूविंग होती है, राइट? सो आइदर दे आर मूविंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड और आइदर दे आर एक्सेलरेटिंग। तो एफ इज इक्वल टू एम ए तो फिर भी यूज हो रहा है ना।
कनेक्शंस बीच में, टॉपिक के बीच में लाजमी आएंगे। जैसे आपको प्रेशर का फॉर्मूला यूज करना पड़ा, वो आपको कहीं भी करना यूज कर सकते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला कहीं भी यूज करना पड़ सकता है। बेसिक जो आपके फॉर्मूलाज हैं वो आपको कहीं भी यूज करने पड़ सकते हैं। कनेक्शंस आपको बनाने आने चाहिए। कह रहे जी एक रॉकेट है और उसके अंदर मास फ्यूल का भी तकरीबन उतना ही है। तो अगर रॉकेट का मास जो है वो एम है और फ्यूल का मास भी एम है, तो टोटल मास जो है वो चीज का 2m हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि एयर रेजिस्टेंस वगैरह को तो इग्नोर कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं कि फ्यूल इज कंज्यूम्ड एट अ कॉन्स्टेंट रेट। तो फ्यूल कंज्यूम होती जा रही है, मतलब कि फ्यूल का मास कम होता जा रहा है। रॉकेट का मास तो ओवरऑल उतना ही है लेकिन टोटल मास चीज का कम हो रहा है। तो एक्सेलरेशन जो है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? वुड इट इंक्रीज, वुड इट डिक्रीज, वुड इट बी जीरो, वुड इट बी कॉन्स्टेंट? ये सवाल है। तो कौन सा फॉर्मूला है, मुझे पहले फॉर्मूला बता दो कि कौन सा मैं यूज कर सकता हूँ टू एक्चुअली जज के यहाँ पे हो क्या रहा है। व्हाट इज द फॉर्मूला दैट टेल्स मी द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड मास? एफ इक्वल्स एम ए, और अगर मैं एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बना के रखूँ तो आई आई नो दैट दिस इज एफ अपॉन एम। सो फोर्स तो उस पर कॉन्स्टेंट ही लग रही है, फोर्स तो चेंज नहीं हो रही। उन्होंने कहा है फोर्स कॉन्स्टेंट है। तो अगर मास डिक्रीज हो रहा है क्योंकि फ्यूल कंज्यूम हो रही है, तो एक्सेलरेशन को इंक्रीज करना चाहिए। तो विच ऑप्शन इज दिस गोइंग टू बी? बी, राइट? आसान क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। इसमें तो इसलिए हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। जो मुश्किल सवाल है उस पर थोड़ा सा टाइम लगा दें। ओके, लेट्स डू फाइव। आई गिव यू अगेन, मैं सारे सवालों के लिए आपको टाइम दे रहा हूँ ताकि आप पढ़ सकें, सोच सकें, जवाब दे सकें। कोई भी सवाल मैं आपको बगैर पढ़े पहले से जवाब नहीं बताऊंगा। सो टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, टाइम लो, खुद पहले ट्राई करो हर चीज़ को। इवन तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। जैसे ये वाला भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो व्हाट इक्वेशन आर वी गोइंग टू यूज? चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टाइम। मोमेंटम में कितना चेंज आया है? 0 से 5000। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5000 - 0 / 10 - 0। टाइम जो है उसमें 10 से लेके 0 का चेंज आया। एक और बात में एसेंशियली यहाँ पे कर क्या रहा हूँ मैं वैसे? ये अगर मैं से इस ग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे ग्राफ का क्या फीचर निकाल रहा हूँ, क्या चीज़ कैलकुलेट कर रहा हूँ? आई नो आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला एज वेल, बट एट द सेम टाइम अगर फॉर्मूला के बारे ग्रेडिएंट में ना सोचे तो मैं ग्राफ का ग्रेडियंट निकाल रहा हूँ। अब आप लोगों ने फोर्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी हुई है? फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मोमेंटम का चेंज ओवर टाइम। और मोमेंटम टाइम ग्राफ से रेट ऑफ चेंज कैसे आएगा? उसका ग्रेडियंट निकाल के। तो एसेंशियली मैं यहाँ पे ग्रेडियंट ही निकाल रहा हूँ। तो 5000 ओवर 10 क्या है? 500 न्यूटन है। तो दिस इज एन इजी क्वेश्चन, ए इज द आंसर, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट यू हैव टू जस्ट रिमेम्बर, जिस तरह आपको पता है ना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। अब इसके साथ एक छोटा सा एम लगा दो तो ये क्या बन जाएगा? ये फोर्स बन जाएगी। वी के साथ एम लगा दो तो ये क्या बन जाएगा? ये मोमेंटम बन जाएगा। तो क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब ग्रेडियंट लेते हो तो आपके पास एक्सेलरेशन आती है। इसी तरह अगर मोमेंटम टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट लेते हो तो वो आपको फोर्स की वेरिएशन के बारे में बता रहा होता है। समझ आ गई? सो इफ द ग्राफ इज कर्व्ड, आई कैन आस्क यू वेदर द फोर्स ऑन द बाइक इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। एंड देन इस तरह का ग्राफ बनाओ तो आप कहते हैं कि सर डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, तो इसका मतलब फोर्स डिक्रीज कर रही है। और अगर इस तरह का ग्राफ है तो आप कह सकते हैं सर ग्रेडियंट इंक्रीजिंग है इसलिए फोर्स इंक्रीज कर रही है। सो द वेरिएशन ऑफ फोर्स कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द ग्रेडियंट ऑफ अ मोमेंटम टाइम ग्राफ, जस्ट लाइक
एक्सेलरेशन कैन बी रिड्यूस फ्रॉम द ग्रेडियंट ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये कॉन्सेप्ट याद रखना प्लीज, हम डायनामिक्स पढ़ रहे हैं तो इसलिए उसके रिलेटेड भी ग्राफ्स बन सकते हैं आपके पास। एनीवेज ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस भी यूज होगा, लाइक यू हैव टू विजुअलाइज इट एज वेल, और आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। करो, ट्राई करो, मे बी आई विल ट्राई टू ड्रॉ इट अप सो दैट यू कैन विजुअलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। सो आपको अपनी थोड़ी सी इंट्यूशन भी इस्तेमाल करनी है। व्हाट व्हाट डू यू थिंक इज द ग्राफ ओवर हियर? बॉल जमीन को आके टच करती है, बाउंस करती है और वापस चली जाती है, तो कौन सा ग्राफ आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है? इसका मुझे आंसर सबसे चाहिए, बेशक सही हो या गलत हो, लेकिन मुझे ऑप्शन बताओ। देयर इज नो कैलकुलेशन इन्वॉल्व, इट्स रियली जस्ट कॉमन सेंस ओवर हियर। थोड़ा सा आपने बस विजुअलाइज करना है चीज को। डी ओके देखो, जब बॉल आके जमीन पे टच करेगी, बॉल आके जमीन पे टच करेगी तो आहिस्ता आहिस्ता बॉल जो है वो ऐसे कंप्रेस होती है, आके हिट करती है जमीन को। जब हल्का सा बॉल टच करेगी तो अभी फोर्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होगी, फोर्स जो है वो बॉल के ऊपर। ठीक है, एकदम से तो फोर्स मैक्सिमम नहीं लग जाएगी ना बॉल के, बॉल आके हिट कर रही है एंड इट्स देन प्रेसिंग अगेंस्ट द फ्लोर, राइट? एंड देन इट बाउंसेस बैक अप, बट व्हाइल इट इज इन मैक्सिमम कांटेक्ट विद द फ्लोर तो फोर्स बीच में मैक्सिमम होगी। शुरू में टाइम जीरो पे जब बॉल टच ही नहीं कर रही तो तब तो फोर्स जीरो है, राइट? इनिशियली तब तो फोर्स जीरो है। यहाँ पे फोर्स होनी चाहिए मैक्सिमम जब फुली बॉल टच कर रही है उसको और बहुत ज्यादा कंप्रेस हुई उसके अगेंस्ट, और फिर जब बॉल वापस ग्राउंड से लिफ्ट होके चली जाएगी तो दोबारा फोर्स जीरो हो जाएगी। तो फोर्स शुरू में जीरो होनी चाहिए, बाद में जीरो होनी चाहिए, बीच में मैक्सिमम होनी चाहिए, इसलिए आप सी चूज करेंगे। बीच में फोर्स नेगेटिव तो हो नहीं सकती, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि बॉल सबसे ज्यादा शुरू में बॉल के ऊपर जो है वो फोर्स लग रही हो, बाद में जाते वक्त जब बॉल इज अबाउट टू लीव तब भी सबसे ज्यादा फोर्स लग रही हो। थ्रू आउट इंक्रीज या थ्रू आउट डिक्रीज क्यों करेगी फोर्स? इसकी भी कोई एज सच रीजन नहीं है। ठीक है, तो आपने सिर्फ विजुअलाइज करना है चीज को, कि एक जब चीज रिबाउंड करती है उसको स्लो मोशन में देखो तो बॉल जो है वो एक दीवार के अगेंस्ट कंप्रेस हो रही होती है, फिर एकदम से रिबाउंड करके वापस जाती है, तो बीच में इसमें सबसे ज्यादा फोर्स लग रही होती है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 करें। ये है मुश्किल सवाल, ये वो सवाल है जिसमें आप कहते हो कि यार ये नहीं हो रहा तो 2 मिनट के लिए इसको जरा छोड़ के आगे चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ वर्किंग ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। ये वो सवाल है जिसमें आंसर इमिडिएटली सामने नहीं आ सकता, देयर इज नो वन फॉर्मूला दैट दैट यू कैन लुक एट एंड यू गो ओके भाई ये तो हो गया। तो ये जो सवाल है ये कैसे करोगे आप? ये काफी ट्रिकी टाइप के जो सवाल होते हैं ना वो एक्सप्रेशंस वाले, ये उनमें से है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कैन टेक यू अप टू 3 to 4 मिनट्स टू सॉल्व, और अगर आपको पहले दूसरे मिनट में अंदाजा हो जाए कि आपके जहन में कोई चीज नहीं आ रही कि ये कैसे होगा, तो यू लीव इट फॉर लेटर, कि अगर टाइम बचा तो कर लेंगे, नहीं बचा तो कोई बात नहीं। समझ में आ रही? तो ये उस टाइप का सवाल है जो आपने पेपर की अप्रोच बता रहा हूँ उसको इस तरह देखना। चलो अब करोगे, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, सुकून से चेक करो और फिर सोचो। बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन हाँ एक्सप्रेशन बनानी है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेट्स सी,
इतना तो समझ में आ रहा है कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को माइनस करना है, लेकिन अब ये वही चीज है कि चीज रीबाउंड कर रही है, बॉल दीवार से रीबाउंड कर रही है। अब जब बॉल आके हिट करने वाली है तब उसका मोमेंटम, लेट्स जस्ट कॉल इट पी आई द इनिशियल मोमेंटम, और जब फिर बॉल लीव कर रही है तो उसका मोमेंटम लेट्स जस्ट कॉल इट पी एफ। यू हैव टू मेक अ डिसीजन नाउ कि इनमें से किसका साइन क्या होगा। साइन असाइन करना जरूरी है क्योंकि डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है। सो आई विल जस्ट असाइन लेट्स से नेगेटिव साइन टू, इसको पॉजिटिव साइन असाइन कर देता हूँ और इसको नेगेटिव साइन असाइन कर देता हूँ, ठीक है, मेरी मर्जी है। तो मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ पे इसको नेगेटिव पॉजिटिव साइन इसको असाइन कर रहा हूँ, डाउनवर्ड्स को और अपवर्ड्स को नेगेटिव साइन असाइन कर रहा हूँ। आप दूसरा भी कर सकते हो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बट इससे इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आती है कि इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट तो करना है, लेकिन मैं ये बात रियलाइज करता हूँ कि जब इसके साथ यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा, इसकी वैल्यू, इसका अपना जो नेगेटिव साइन है, ये तो नेगेटिव साइन इसलिए बिकॉज आई एम ऑब्वियसली फाइंडिंग द डिफरेंस, बट ये वाला जो नेगेटिव साइन वो इसलिए है क्योंकि ये है ही इटसेल्फ नेगेटिव। तो इवेंचुअली ये क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड ही करना पड़ेगा, दोनों के मैग्नीट्यूड्स को, इन ऑर्डर टू एक्चुअली फाइंड द चेंज ऑफ मोमेंटम। मेक सेंस? अब बात समझ में आती है, बात ये समझनी है कि भाई मोमेंटम को आप लिखते कैसे हो। आप मोमेंटम को लिखते हो इस तरह, ऐसे ही लिखते हो, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे इनिशियल को फाइनल में से क्यों माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि इनिशियल का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, फाइनल का मैग्नीट्यूड कम होगा, इस वजह से मैंने उनको जो है वो माइनस साइन लगाया था। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इवेंचुअली वो उनका मैग्नीट्यूड प्लस ही हो रहा है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये समझ में आ रही है कि यू जो है वो वेलोसिटी है जब बॉल आके हिट करने वाली, और वी वो वेलोसिटी है जब बॉल यहाँ से रिबाउंड होने वाली। अब उन्होंने बताया कि आपको यहाँ पे सिंपली एम यू और एम वी तो लिख के नहीं दिया हुआ, ये इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल और इन टर्म्स ऑफ हाइट, ये आपको सिचुएशन बताई गई। अब इस हाइट को, हाइट आपकी एक तरह से डिस्प्लेसमेंट होती है, इससे आप वेलोसिटी की एक्सप्रेशन कैसे निकाल सकते हो, इस बात को समझना लाजमी। देखो बेटा, जब आप किसी चीज को हाइट एच से ड्रॉप कर रहे हो, राइट, कोई चीज हाइट एच से ड्रॉप हो रही है, ये हाइट एच है, इनिशियल हाइट से जो ड्रॉप हो रही है वो चीज एच वन हाइट है, ऐसा ही था। अब इनिशियली तो बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, तो इनिशियली तो एट रेस्ट होगी बॉल, जब यहां से बॉल नीचे आ रही है, बॉल नीचे आ रही तो वो एक्सेलरेट करेगी और उसकी एक्सेलरेशन होगी जी के बराबर। तो यहाँ पे फ्री फॉल का भी कॉन्सेप्ट आ गया और इक्वेशन ऑफ मोशन का भी कॉन्सेप्ट आ गया। फाइनली जब बॉल यहाँ तक पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी, जिसको मैं यू बोल रहा हूँ, राइट, जो मर्जी बोल लो, अब यू बोल लो, वी बोल लो, वॉट एवर वे यू वॉन्ट टू कॉल इट, ठीक है, उसका सीन ये होगा कि वो वेलोसिटी जो है वो एक तरह से मेरी, अगर ये वाली यहाँ पे मैं इसको इनिशियल, चलो एक काम करते हैं, इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको लिखने का तरीका मैं डिफरेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना पैदा हो। इसको वी आई कह लेता हूँ और इसको वी एफ कह लेता हूँ। अगर इसको मैं यू बोलूंगा तो फिर आप इक्वेशन में बहुत ज्यादा कन्फ्यूज होंगे। अब आपने जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है, आपने जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है कि बॉल यहाँ से यहाँ ड्रॉप होगी, और उसके अंदर आपको अगर इक्वेशन अप्लाई करनी हो तो फोर इक्वेशन ऑफ मोशन में से आपकी कौन सी इक्वेशन यहाँ पे सबसे ज्यादा यूजफुल है, वो है ये वाली, क्योंकि टाइम का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, इस बात को रियलाइज करते हो। और जो इस वक्त मैं वेलोसिटी को फिगर आउट करने वाला हूँ वी आई, वो ये वाली है, दिस इज व्हाट आई एम कॉलिंग वी। इस पर्टिकुलर जर्नी में, ऊपर से नीचे वाले जर्नी में, ये फाइनल वेलोसिटी कंसिडर की जाएगी, ओके अब आप इसको सब्जेक्ट बना लो। जब आप वी आई को सब्जेक्ट बनाते हो और ए की जगह जी लिख देते हो और एस की जगह एच वन लिख देते हो, और यू तो जीरो कंसिडर किया जाएगा, तो यहाँ पे जी आ गया, यहाँ पे एच वन आ गया, और यहाँ पे अंडर रूट आ गया क्योंकि मैंने उसको सब्जेक्ट बना लिया। एक्सेलरेशन मेरी जी के बराबर है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेरी एच वन है, ये तो समझ में आई बात। तो ये है मेरी वी आई जिसको मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट टू जी एच वन। अब इसी तरह जब बॉल यहाँ से ऊपर जाएगी तो वो कितने हाइट तक रिबाउंड कर रही है, इट रिबाउंड टू अ हाइट एच टू, सो इट विल फाइनली गो टू अ पॉइंट जहां पे इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। तो बॉल जहां तक, जिस हाइट तक रीच कर सकती है, लेट्स जस्ट मेक अ हाइट, अ रैंडम हाइट, इस तरह की कम हाइट बना लेता हूँ एच टू, और यहां तक बॉल जो है वो इधर तक राइज कर सकती है, सही है। तो अब यहां से यहां तक का जो जर्नी है उसमें भी यही इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो, राइट, एंड
इसको मैं लेट सपोज आपकी आसानी के लिए लेट्स कॉल इट यू एफ। इसको मैं यू इसलिए लिख रहा हूँ, यू लिखने की वजह यह है कि इक्वेशन में क्योंकि हम इनिशियल वेलोसिटी इसको कंसिडर करेंगे, बॉल यहाँ से यहाँ रीबाउंड कर रही है तो इसको इनिशियल कंसिडर करना पड़ेगा ना, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट यूजिंग यू ओवर हियर सो दैट वी डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि भाई वी और यू में इतना मसला क्यों हो रहा है। ऑल्दो इफ यू नो योर लाइक इफ यू नो एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच वेरिएबल यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। बट एनी वेज तो बॉल ऊपर जा रही है और मैंने यहाँ पे वर्किंग किया कि मैंने कहा यार वही इक्वेशन दोबारा लिखता हूँ। अब मेरी फाइनल वेलोसिटी वी तो ऊपर जाते हुए जीरो हो जाएगी, ये वी जो स्क्वायर लिख रहा हूँ ये एंड में जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा यू एफ और इसका स्क्वायर और यहाँ पे टू ए एस दोबारा से। अब ये वाली चीज़ जीरो हो जाएगी, ये आपको रियलाइज होना चाहिए कि ये तो जीरो हो जाएगा ऊपर जाके बॉल यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी जब हाइट एच टू पे पहुंचेगी। और ये जो है इसको आप सब्जेक्ट बनाओगे तो वही 2g और यहाँ पे h2 आ जाएगा। माइनस साइन को इस फिलहाल मैं इसलिए इग्नोर कर रहा हूँ, इसको इग्नोर करने का रीजन ये है कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर चुका हूँ माइनस साइन, इस जगह पे मैंने माइनस साइन इनकॉर्पोरेट कर लिया था और उसको माइनस माइनस करके मैंने प्लस बना लिया था, वरना यस ये नेगेटिव आंसर आता, राइट ये नेगेटिव आंसर आता और ये नेगेटिव साइन इसी की वजह से ये नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा हुआ है। सो आई एम रियली जस्ट कंसर्न विद द मैग्नीट्यूड ओवर हियर। मुझे ये पता लग गया कि यार ये वाली जो वेलोसिटी है उसका ये एक्सप्रेशन है और जो ये वाली वेलोसिटी उसका ये एक्सप्रेशन है और वो यहाँ और यहाँ पे सब्सिट्यूट किया जा सकता है। ठीक है, अब आपको याद होगा कि मैंने इनके वेरिएबल्स की थोड़ी सी जो है वो कन्वेंशन चेंज की थी, मैंने इसको कहा था, इसको मैंने ये कहा था और इसको मैंने ये कहा था। यहाँ पे आई और वी जो है वो हमें इनिशियल और फाइनल बता रहा है। एनीवेज तो मैंने यहाँ पे लिखा एम और फिर यहाँ पे लिख दिया टू अंडर रूट 2gh1 प्लस एम, ये एम वही है जो पीछे वाला एम बॉल का मास तो वही रहेगा, इनटू अंडर रूट 2gh2। नाउ इफ यू लुक एट इट तो अब यहाँ पे एम ले सकते हो कॉमन और अपनी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट अगर आप आंसर से मैच करो तो आपको नजर आ जाएगा कि आपका ऑप्शन ये वाला आ गया। ठीक है, अब देखो एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लगा, ये क्वेश्चन करने में हमें प्रॉब्ली 7-8-9 मिनट लग गए। ठीक है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हो और पूरा अपना 100% दिमाग यूज कर रहे हो और फुल स्पीड पे काम करो तो प्रॉब्ली इस टाइप का क्वेश्चन आप 3 से 4 मिनट में कर सकते हो इफ़ योर माइंड इज रियली वर्किंग। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आए और आपको लग रहा है कि यार आप बिल्कुल फंस रहे हो और आपको नहीं, पहले तो देखो प्रैक्टिस कर करके इस तरह के क्वेश्चन हो ही जाएंगे आपसे, इवेंचुअली होने लग जाएंगे, राइट। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम में यार कि बिल्कुल ही आपको ऐसी सिचुएशन लग रही है आप नहीं डील कर पा रहे हो उससे, तो आपने इस तरह के क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना, बिकॉज यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ओवर हियर एंड यू व्हाट यू शुड ट्राई टू डू इज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर इस तरह के क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा मुश्किल हो, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको एक्सप्रेशंस वाले सवाल जहां भी आए उनको मिस ना करवाऊँ, उनको करवाऊँ। डायनामिक्स में बहुत ज्यादा आते हैं, सही है, इस तरह के सवाल एक्सप्रेशन वाले सवाल जो हैं वो आपको इस तरह के अजीब अजीब इक्वेशन यूज करके एक्सप्रेशन, काइनेमेटिक्स डायनामिक्स में बहुत ज्यादा होते हैं और इवन आपके जो फोर्स डेंसिटी प्रेशर वाला जो इक्विलिब्रियम वाला जो बेसिकली चैप्टर है उसके अंदर भी काफी ज्यादा एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन, अप थ्रस्ट के साथ बहुत सारे एक्सप्रेशन वाले अजीब अजीब से क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इफ यू सी इन योर एग्जाम, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है और आपने ये एग्जाम्पल मेरे साथ लेट सपोज क्लास में की हुई है तो यू शुड फौरन से आपको आंसर पता चलना चाहिए और आपको ये लिटरली 30 सेकंड में आप आंसर करके चले जाओगे। सो कर लेते हैं इसको और फिर मुझे आप इसका आंसर मुझे खुद बताओ, मैं देखता हूँ कि किसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है किसका नहीं क्लियर, क्योंकि अगर तुम लोगों ने पेपर टू किया है, सारी वीडियोस गौर से देखी हैं डायनेमिक्स वाले चैप्टर की, न्यूटन्स थर्ड लॉ सब गौर से पढ़ा है तो ये आंसर गलत किसी का आना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने प्रॉपर एग्जाम्पल्स देखे, ये चीज़ समझाई भी। बट स्टिल गो अहेड एंड टेल मी व्हाट द आंसर शुड बी। न्यूटन्स थर्ड लॉ की जो पॉइंट्स है मेन मेन वो याद करो, थर्ड लॉ पेयर जो होता है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जो पेयर होता है उसके अंदर फोर्सेस इक्वल होती हैं फोर्सेस ऑपोजिट होती हैं, तो ऑब्वियसली इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जो है, तो अगर इस वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड डब्ल्यू है तो दूसरी फोर्स का भी मैग्नीट्यूड डब्ल्यू ही होगा। अब यहाँ पे सब जगह डब्ल्यू लिखा हुआ है, कहीं पे 2W, 3W, 4W, W/2, W/3 कहीं नहीं लिखा हुआ, तो डब्ल्यू यहाँ लिखने का मकसद ये कि इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो ये इस बेसिस पर तो हम किसी को वो नहीं कर सकते। लेकिन अब डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए, तो अगर बुक का जो वेट उस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, द ग्रेविटी द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बुक इज अ डाउनवर्ड फोर्स,
देन द अदर फोर्स शुड बी ऑपोजिट, मतलब इट शुड बी एन अपवर्ड फोर्स, सो इट कैन नॉट बी अ डाउनवर्ड फोर्स. ये यहाँ पे गलत है, इसकी बेसिस पे मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ. ऑप्शन ए मेरा टोटली गलत है, इसको मैं यहाँ पे नहीं देख सकता. लेकिन बाकी तीनों में अपवर्ड्स है, सो ऑब्वियसली दे आर करेक्ट. आई कांट एलिमिनेट एनी अदर ऑप्शन. अब उसके बाद इस बात को रियलाइज करो कि देखो ये जो बुक, ये जो डब्ल्यू फोर्स है, ये बुक पे लग रही है, बट वॉट यू हैव टू थिंक इज अगले पॉइंट्स क्या है. इक्वल एंड ऑपोजिट तो समझते हो आप, जो बात आगे जाती है वो ये है कि सेम नेचर की फोर्स होनी चाहिए. तो ये W किस नेचर की फोर्स है? इफ आई आस्क यू व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज दिस, व्हाट वुड यू से? कौन सी टाइप की फोर्स है? आपने टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ी ना, व्हाट फोर्स इज दिस? सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो दूसरी फोर्स भी ग्रेविटेशनल फोर्स होनी चाहिए. अगर एक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दूसरी फोर्स भी इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी. अगर एक फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है, दूसरी फोर्स भी कॉन्टैक्ट होगी. अगर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है तो दूसरी भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगी, राइट? अगर एक मैग्नेटिक फोर्स है, दूसरी भी मैग्नेटिक फोर्स होगी. अगर एक फ्रिक्शनल फोर्स है, दूसरी भी फ्रिक्शनल फोर्स होगी. सो अगर W जो है, वेट जो है, वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो जो बुक ये बुक के ऊपर कोई चीज फोर्स लगा रहा है, तो अब इसका मतलब है कि बुक जिस चीज में फोर्स लगा रही है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगी. सो इसकी बेसिस पे अगर आप बी को देखें, बी पे लिखा हुआ है ऑन द बुक फ्रॉम द टेबल, ये तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो नहीं हो सकती, राइट? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो नहीं हो सकती. एक और बेसिस पे भी हम इस आंसर को कैंसिल कर सकते हैं, और वो ये है कि ए बी वाला कॉन्सेप्ट. इफ बुक इज ऑब्जेक्ट ए, वॉट इज ऑब्जेक्ट बी ओवर हेयर? सवाल ये है कि बुक पे जो वेट की फोर्स है वो लगा कौन रहा है? पहले मुझे ये बता दो, सब लोग सबके सब मुझे इस बात का जवाब दे दो कि बुक पे जो फोर्स लग रही है डब्ल्यू, ग्रेविटी की फोर्स, वो लगा कौन रहा है बुक पे? उस चीज का नाम ले लो, मुझे यहाँ पे बता दूं. व्हाट इज दैट ऑब्जेक्ट? कैन यू नेम इट? उस चीज का नाम क्या Earth. है? अर्थ लगा रहा है. तो इफ बुक इज द ऑब्जेक्ट ए, इफ बुक इज ए, देन अर्थ इज द ऑब्जेक्ट बी. एंड वी ऑलवेज से इफ ए एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑन बी, एंड देन B exerts a force on A as well. So, अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि बुक पे फोर्स लग रही है W, ये फोर्स लगा रहा है अर्थ, तो बुक ने अब किस पे फोर्स लगानी है? बुक ने अर्थ पे लगानी है फोर्स. तो अब पहली बात तो ये है कि ऑन द बुक तो हो ही नहीं सकती फोर्स, क्योंकि ऑलरेडी W बुक पे लग रही है, तो जो पेयर है वो भी ऑन द बुक तो नहीं होगा ना, वो तो फिर बाय द बुक होना चाहिए, बाय द बुक होना चाहिए, राइट? या फ्रॉम द बुक कह लो. तो भाई फ्रॉम द टेबल एक्सेप्टेबल नहीं, फ्रॉम द बुक होना चाहिए. फ्रॉम द फ्लोर भी नहीं हो सकता, फ्लोर का भी कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे. फ्रॉम द टेबल भी नहीं होना चाहिए, फ्रॉम द बुक होना चाहिए. और लगना किस पे चाहिए? ऑन द अर्थ. सो द W वॉज द फोर्स, द वेट वॉज द फोर्स दैट अर्थ वॉज एक्सर्टिंग ऑन द बुक. सो नाउ बुक ऑल्सो एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन द अर्थ, विच इज ऑल्सो इक्वल टू W, एंड विच इज ऑल्सो अ ग्रेविटेशनल फोर्स. सो कहने का मकसद ये कि आप टेबल वेबल फ्लोर हर चीज को भूल जाओ, ये अर्थ है और ये बुक है, चाहे हवा में हो चाहे किसी चीज के ऊपर रखा हुआ. बुक को अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है और बुक अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है, और ये दोनों फोर्सेस जो है इनका मैग्नीट्यूड इक्वल एंड ऑपोजिट है. दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रही है, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो ये चारों चीजें जो है वो किस में सेटिस्फाई हो रही है? सी के अंदर सेटिस्फाई. ये है कॉन्सेप्ट थर्ड लॉ का, और इसके अंदर यही वाली जो एग्जाम्पल है वही कंफ्यूजिंग है. सब बाकी एग्जाम्पल्स इतनी कंफ्यूजिंग नहीं है, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल है, और ये ओ लेवल में भी आती है, एएस में भी आती है, और ये आपको आपके नोट्स में भी इसी तरह बहुत सारी फोर्सेस आइडेंटिफाई करके की हुई है सॉल्व. तो इसको गौर से देख, ठीक है, रिवाइज करें. ओके, हियर इज अ क्वेश्चन दैट इन्वॉल्व्स सम डायनेमिक्स एज वेल एज सम काइनेमेटिक्स. तो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने और मुझे आंसर बताना है. शाबाश, करो सॉल्व. सबसे जवाब चाहिए मुझे. शाबाश, अनस गलत है. यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्राफ्स एंड देयर ग्रेडियंट्स दैट यू हैव स्टडीड इन काइनेमेटिक्स.
नहीं, आईपैड आईडी तो तुम्हारा मुझे नाम ही नहीं पता, आईपैड आईडी कौन है यार? अपना नाम तो सही रखो, कौन हो बेटा? सुलेमान। अच्छा तो ए नहीं है बेटा, गलत है। फहद सही बोल रहे हैं, फहद ने सही आंसर बताया। अब इसकी लॉजिक समझ लेते हैं। सही आंसर है डी, सही आंसर है डी, बट व्हाई? थिंक अबाउट दिस। सबसे पहले तो देखो ये फोर्स की वेरिएशन दी गई है। कौन सी एक और ग्राफ है बना सकता हूँ जिसकी वेरिएशन बिल्कुल फोर्स से प्रोपोर्शनल होगी? फोर्स से क्या चीज प्रोपोर्शनल होती है? एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होती है, राइट? इसका मतलब है कि अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाऊंगा तो वो भी एग्जैक्ट ऐसा ही बनेगा, इसकी शेप यही होगी। कहने का मकसद ये है कि इंक्रीजिंग फोर्स है, कॉन्स्टेंट इंक्रीजिंग फोर्स है, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन एज वेल। नाउ एक्चुअली एक्सेलरेशन तो नहीं है, ये डिसेलरेशन है, क्योंकि बात यहाँ पे ये यह हो रही थी कि उन्होंने कहा था कि वो गाड़ी को रोक रहा है और ब्रेकिंग फोर्स लगा रहा है, तो स्पीड तो जाहिर सी बात है सारे ग्राफ्स में कम ही हो रही है, किसी में स्पीड बढ़ नहीं रही। सवाल ये कि स्पीड किस तरह वेरी करेगी? क्या ग्रेडियंट ग्राफ का यहाँ पे बढ़ रहा है या कम हो रहा है? ग्रेडियंट कम हो रहा है, ग्रेडियंट डिक्रीज होना चाहिए नहीं। ग्रेडियंट क्यों डिक्रीज हो रहा है, यही बात तो गलत है यहाँ पे भाई। अगर आपके पास एक्सेलरेशन बढ़ रही है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो बढ़ना चाहिए। आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? एक्सेलरेशन इज ग्रेडियंट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यही है ना मेन कॉन्सेप्ट जो काइनेमेटिक्स में पढ़ के आए। तो पहले तो एफ इज इक्वल टू एम एस ए फोर्स और एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप बनाया, और फिर अब एक्सेलरेशन की वेरिएशन पता लग गई तो अब स्पीड का ग्राफ सही रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि मेरा स्पीड का जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट होना चाहिए, ये कॉन्स्टेंट ग्रेडियंट है बी, तो ये भी गलत आंसर है। इसमें पहले ग्रेडियंट इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, ये भी नहीं है सही। यहाँ पे ग्रेडियंट थ्रू आउट इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, ये मुझे चाहिए था। हाँ, अब नेगेटिवली ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट नेगेटिव में ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, वो उसकी वजह ये कि भाई वो ब्रेक कर रही है गाड़ी, गाड़ी जो है वो रुक रही है। सो दिस इज द आंसर डी। सर, बोलो। हाँ वो ब्रेक लगा रहा है तो स्पीड उसकी वजह से कम नहीं होगी? ठीक तो स्पीड तो कम हो रही है है, सर। सब गाड़ियों में स्पीड कम हो रही है, सारी गाड़ियों की स्पीड इवेंचुअली जीरो ही हो रही है, ऑल द कार्स आर गोइंग टू स्टॉप इवेंचुअली, स्पीड तो सब में ही कम हो रही है। कम कैसे होगी? इंक्रीजिंग रेट पे कम होगी या डिक्रीजिंग रेट पे कम होगी, यही तो सवाल है। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म रेट से स्पीड कम हो रही है, विच इज नॉट ट्रू, बिकॉज फोर्स तो वो यूनिफॉर्म नहीं लगा रहा उसकी अगर वो इस तरह फोर्स लगाता तो ये वाला ग्राफ होता, तो एक्सेलरेशन भी ऐसे होती, समझ रहे हो बात? अब अगर वो फोर्स लगा रहे इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन इज द इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। अगर वो फोर्स लगा रहा होता इस तरह, शुरू में ज्यादा फोर्स लगा रहा होता, बाद में कम फोर्स लगा रहा होता, तो फिर ये वाला ग्राफ होता, क्योंकि डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होती, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट होता। ग्रेडियंट को देख रहा हूँ, मैं स्लोप को देख रहा हूँ, स्पीड तो सभी ग्राफ्स में कम हो रही है, और अगर उसकी फोर्स जो है वो कुछ इस तरह की होती, तो पहले इंक्रीजिंग फोर्स है, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, फिर डिक्रीजिंग फोर्स है, फिर डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, तो फिर इस तरह का ग्राफ बनता है। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर इन योर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट्स एंड हाउ दे रिलेट टू एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एंड ब्ला 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 ब्ला, ये सारी चीजें बहुत क्लियर होंगी। तो ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत हार्ड टू ग्रैप है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फॉर सम रीजन, मतलब इट इज अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। कैम्ब्रिज इस बात को रिकग्नाइज करता है कि भाई ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट दिमाग में डायरेक्टली घुसता नहीं है बच्चों के, ये वो इस बात को समझते हैं कि ये मुश्किल ही कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब आप इतने लेक्चर्स ले चुके हो इस चीज के ऊपर, काइनेमेटिक्स पे वापस जाना, सारे लेक्चर्स को बहुत गौर से रिवाइज करना, आपको समझ में आ जाएगा भाई बहुत की कॉन्सेप्ट है, मुश्किल कॉन्सेप्ट है ग्रेडियंट का, बिकॉज यू टेंड टू फॉरगेट एंड यू स्टार्ट लुकिंग एट द मैग्नीट्यूड ओनली, बट आप भूल जाते हो बार बार कि भाई ग्रेडियंट को देखना है, ग्रेडियंट को देखना है। स्पीड और एक्सेलरेशन का जो रिलेशनशिप है वो स्पीड टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट से आता है, ठीक है? चलो अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे और ये वाला क्वेश्चन जल्दी कर लेते हैं, आसान है, इस पर हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। एक बॉल है जिसका मास 2 kg है, इट इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 4, इट कोलाइड्स विद अ वॉल। अब यहाँ पे वही साइंस वाला मसला आ जाएगा, रिबाउंड्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, और उसकी रिबाउंड स्पीड है 2.8, टाइम ऑफ कोलिजन 150 मिलीसेकंड्स है, आपने फोर्स निकाली है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो वही चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टाइम है, राइट? एम वी
माइनस एम यू अपॉन टी है, लेकिन इसके अंदर जो प्रॉब्लम आएगा वो यही आएगा बेटा कि ये जो माइनस इनमें से एक जो मोमेंटम है उसको खुद इटसेल्फ नेगेटिव होगा और एक मोमेंटम जो है वो इटसेल्फ पॉजिटिव होगा। व्हाई एम आई डूइंग दैट? वी नो कि बॉल जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है रिबाउंड होने के बाद। तो ये मेरी दीवार है, ये बॉल है, ये शुरू में जब जा रही है तो उसकी फोर की वेलोसिटी यू है, जब वो रिबाउंड कर रही है उसकी वेलोसिटी 2.8 है। यू हैव टू असाइन अ नेगेटिव साइन टू एटलीस्ट वन ऑफ देम, समझ गए? तो यहाँ पे इवेंचुअली ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई होके ये बन जाता है एम वी प्लस एम यू बन जाता है। सो इन द एंड इट्स वेरी सिंपल। अब आप याद ही रख लो यार, इवेंचुअली बार बार अपने आपको माइनस साइन प्लस साइन से, मैं तो एक्सप्लेन करने के लिए बार बार आपको शुरू से एक्सप्लेन करता हूँ, बट यू शुड इवेंचुअली जस्ट अंडरस्टैंड किया। देखो एमसीक्यू में मुझे थोड़ी स्पीड रिक्वायर्ड होती है और कुछ कॉन्सेप्ट मेरे जहन में ऐसे होने चाहिए कि मैं उनको डायरेक्ट अप्लाई कर सकूं, ज्यादा उनके बारे में फर्स्ट प्रिंसिपल से ना सोचना पड़े। तो जब भी रिबाउंड वाला केस आएगा तो आपने ऐड ही करना है चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने के लिए, क्योंकि भाई वो माइनस माइनस होकर प्लस हो जाता है। अब ये बात अगली बार जब ये क्वेश्चन आएगा तो हम फिर ये सारी डिस्कशन शुरू से नहीं करेंगे। आई होप मुझे दोबारा याद नहीं करवाना पड़ेगा कि मैं प्लस क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब जो है वो जरा जल्दी कर लेते हैं, मास यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं और दोनों वेलोसिटीज को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया फोर, और नीचे टाइम जो है 150 मिलीसेकंड था वो 0.150 हो जाएगा। सो इससे आपका आंसर आ जाएगा, एम क्या है बेटा? 2 है। तो जल्दी जल्दी आंसर दें, शाबाश। आवाज ठीक आ रही मेरी सबको या नहीं आ रही? सलमान बेटा अपना चेक करो कनेक्शन। अच्छा चलो, अब ये जो क्वेश्चन 11 है ये एनर्जी से भी कर सकते हैं आप, लेकिन हम यहाँ डायनामिक्स पढ़ रहे हैं तो हम इस पर डायनामिक्स वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो भाई इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड आपको पता है, इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड 0, ये हो गया मास, ये हो गया आपकी डिस्प्लेसमेंट और ये है फोर्स। तो अब आप इसमें मोमेंटम वाला भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो और एफ इज इक्वल टू एम ए एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो। पहले आप एक्सेलरेशन निकाल लो और बोला यार वी माइनस यू अपॉन टी लगा देते हैं। सो 0 माइनस 2 अपॉन, ओ सॉरी एक्सेलरेशन में यहाँ पे इस तरह नहीं निकाल सकता, वजह यह कि मेरे पास टाइम का डेटा नहीं है। सो फिर मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए एस, राइट? अब हम यही यूज कर सकते हैं क्योंकि टाइम का डेटा नहीं, तो फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन डिस्टेंस का डेटा है वहां से आ जाएगी। तो भाई ये तो 0 है और ये है व्हाट इज दिस 2 का स्क्वायर, और ए मुझे निकालना है और ये जो है ये 30 है। नेगेटिव में आंसर आएगा एक्सेलरेशन का बिकॉज डिसेलरेशन हो रही है, बट वट एवर दिस इज, ये कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 60। तो मेरे पास एक्सेलरेशन बड़ी कम आ रही है, 0.0667 इस तरह लिख लेते हैं। नेगेटिव साइन भी आएगा ऑब्वियसली, बट वो नेगेटिव साइन आपको फोर्स निकालने के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एफ इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करो और आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगी। मास को केजी में कन्वर्ट करना होता है, याद रखना बेटा। तो मास 0.15 kg हो गया और वही एक्सेलरेशन से उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.0667 से। सो अपना आंसर का बटन दबाओ एसेंशियली और उसको बस 0.15 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 0.01 की फोर्स आ रही है, 0.01 न्यूटन आपको यहाँ दिया हुआ है ए में, यह का आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन है, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी एबल टू डू इन साइड अ मिनट। क्विक 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 जल्दी से पढ़ के, सवाल पढ़ना पूरा है पहले, पढ़ने में तो मस्त, सवाल को पढ़ने में 30 सेकंड लगाओ, बहुत लंबा सवाल नहीं है, 30 सेकंड लगाओ पढ़ने में, एक दफा नहीं दो दफा पढ़ लो, चीजें हाईलाइट करो, इम्पोर्टेंट चीजें हाईलाइट करो, और फिर उसके बाद सवाल को जब एक बार समझ में आ जाए क्या करना है तो बस जल्दी जल्दी करो फिर। ठीक है, तो ये आसान, ये मुश्किल सवाल की कैटेगरी में नहीं, ये सिंपल सवालों की कैटेगरी में है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है इन अ सेंस के भाई फोर्सेस का साइज का सही अंदाजा लगाना है। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन मुझे पसंद नहीं आया था क्योंकि उन्होंने साइज बहुत अजीब अजीब से रखे थे, बट एनीवेज। तो एयर बबल जो है वो राइज कर रहा है,
ये बात याद रखो, थ्रू अ लिक्विड एट कॉन्स्टेंट स्पीड, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रिमेंबर एयर बबल इज राइजिंग नॉट फॉलिंग, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें जो फोर्सेस एक्ट कर रही है वो है अपथ्रस्ट, वो है ड्रैग और वो है वेट, सारी बातें आपको पता है, यू रिकॉग्नाइज ऑल द फोर्सेस। अब वो कह रहे हैं कि फोर्सेस की डायरेक्शन और साइजेस जो है वो आप इन एरोज के थ्रू रिकॉग्नाइज करें कि कौन से होंगे। इंपॉर्टेंट बात ये है कि बबल राइज कर रही है, इस बात को नहीं भूलना। इसकी बेसिस पे कि बबल राइज कर रही है, कौन सा ऑप्शन मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, कौन सा ऑप्शन आपको गलत नजर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन पहले एलिमिनेट कर सकते हैं। बबल इज राइजिंग, इफ बबल इज राइजिंग तो एक फोर्स की डायरेक्शन किसी एक ऑप्शन में बिल्कुल गलत बनी हुई है। लेट्स एलिमिनेट दैट ऑप्शन फर्स्ट, जो बिल्कुल ही अलग फजूल ऑप्शन है वो कौन सा है। देखो ड्रैग फोर्स जो है वो क्या कैसे एक्ट करती है, हमेशा क्या हमेशा अपवर्ड्स होती है ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स होती है हमेशा ऑपोजिट टू मोशन, क्या होती है ड्रैग फोर्स, ऑपोजिट टू मोशन। तो अगर बबल ऊपर जा रहा है तो ड्रैग फोर्स को डाउनवर्ड्स होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे ये जो ड्रैग फोर्स की अपवर्ड डायरेक्शन बनाई हुई है गलत बनाई हुई है, डी एलिमिनेट कर देंगे, डी को देखेंगे ही नहीं। अब ए बी सी के अंदर अपथ्रस्ट आपको अपवर्ड्स ही नजर आ रहा है, अपथ्रस्ट तो हमेशा ही अपवर्ड्स होता है, ड्रैग फोर्स इस केस में डाउनवर्ड्स होगा, वेट तो हमेशा ही डाउनवर्ड्स होता है। अब मसला आ जाता है एरोस के साइजेस का। यहाँ पे हमने पढ़ लिया कॉन्स्टेंट स्पीड, विच मीन्स दैट द सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस। व्हाई? बिकॉज हमारा रिजल्टेंट जीरो आना चाहिए, ऐसा ही है। तो अब एरोस के साइज कंपेयर करने का सारा मामला रह गया। अब थ्रस्ट तो तीनों केसेस में सेम ही है, सो वी आर नॉट लुकिंग फॉर दैट। हम ये देखते हैं कि ये जो दो एरोस मिला के उनका साइज यू के बराबर कहाँ पे आ रहा है, प्लस थोड़ी सी कॉमन सेंस भी यूज करनी है इस सेंस में कि उन्होंने बोला यार एक एयर बबल है। सवालों के अंदर आप देखो मैंने क्या क्या कीवर्ड्स हाईलाइट किए हैं, एयर बबल। मैं भी पहली दफा ही कर रहा हूँ सवाल, मैंने पहले नहीं किया हुआ, लेकिन देखो चीज को थोड़ा सा समझने के, आप ये सोचो कि यार वेट मैं सी को एलिमिनेट कर रहा हूँ किस बेसिस पे, इस बेसिस पे कि यार देखो हो तो सकता है कि हाँ इसका और इसकी लेंथ मिला के इसके बराबर आ रही हो, आई मीन अपना स्केल रख के इसको मेजर करो, इसको मेजर करो और प्लस करो, हो सकता है इसके बराबर आ रहा हो, नो डाउट आ भी रही है शायद, लेकिन मैं इसको एलिमिनेट करूँगा इस बेसिस पे कि इसका वेट इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। वेयर एज इफ यू लुक एट ऑप्शन ए एंड बी यू कैन क्लियरली सी कि यार बहुत कम वेट होगा क्योंकि इट्स एन एयर बबल, सो देयर हैज टू बी सम कॉमन सेंस दैट वुड गो इन टू योर थिंकिंग एज वेल, राइट? तो इस बेसिस पे सी को एलिमिनेट किया, बी तो पहले ही एलिमिनेट हो जाता, बी आसानी से एलिमिनेट कर देते आप क्योंकि ये जो दोनों एरोज हैं इनकी लेंथ मिला के इसके बराबर नहीं आ रहे, तो ये तो बी तो लॉजिकल बेसिस पे एलिमिनेट हो गया। इन इन दोनों को आप लॉजिकली सोचने के बजाय थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे यूज करोगे, और अगर आप देखो तो इसके अंदर भी इक्वल आ रहा है एरोज का साइज और इसके अंदर भी इक्वल आ रहा है, लेकिन मसला यहाँ पे ये था कि यार ये वेट इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। इट मेक सेंस कि एयर बबल है तो उसका वेट बहुत ही कम होगा, राइट? सो इस वजह से मैंने ए चूज करना है और मैंने सी को एलिमिनेट करना है। सो सबसे पहले डी एलिमिनेट होता, फिर बी एलिमिनेट होता, फिर सी और ए के अंदर थोड़ा सोचना पड़ता, और फिर आप अपनी थोड़ी सी कभी कभार एंड में गट फीलिंग के साथ भी कभी कभार जाना पड़ जाता है। ऑल दैट्स ऑल लॉजिकल, देयर इज नो गट फीलिंग। थोड़ा सा आप जो है वो अगर हर चीज लॉजिकली करके बैठ रहे हो तो फिर तो आप पक्का पक्का आंसर निकालते हो, कोई यहाँ पे गैस वर्क इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए। बट अगर एटलीस्ट आप दो ऑप्शन तक नैरो डाउन कर लोगे तो अच्छा लॉजिकल गैस या एजुकेटेड गैस फिर भी लगा सकते हो। अब देखो फिर वही सवाल जो कि थोड़े से इन द सेंस मुश्किल होते हैं एक्सप्रेशंस वाले, बट ये जो एक्सप्रेशन वाला सवाल है कि बहुत ईजी है उस बंदे के लिए जिसको वो की फॉर्मूला पता है, जो बहुत रेयरली इस्तेमाल होता है लेकिन आप अक्सर शायद उसे भूल जाते हैं। उस फॉर्मूला के ऊपर शायद मैंने अलग से आपको लेक्चर दिया था अराउंड मिड टर्म दिसंबर के अंदर, अलग से एक क्लास में बैठ के मैंने फॉर्मूला डिराइव कराया था, और मैंने कहा था कि यार ये जो फॉर्मूला है ना मोमेंटम का और काइनेटिक एनर्जी का, ये अक्सर बच्चे जो उनको पता नहीं होता या डिराइव नहीं करना आता या भूल जाते हैं, वो कौन सा फॉर्मूला है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो जो आपको पता हो तो यहाँ पे 1 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें, आपको बैठ के कोई लंबी चौड़ी करनी नहीं पड़ती। बंदे को जानता एग्जैक्टली, तो है ना, मोमेंटम जो पी है वो P1 से P2 कह रहे हैं इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर ये होगा कि आप पहले तो आप ये रियलाइज करो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो है मोमेंटम स्क्वेर्ड अपॉन 2m। जिसको ये बच्चों को ये फॉर्मूला पता है वो 1 मिनट में ये सवाल कर लेगा, क्योंकि अब वो कह रहा है अच्छा यार चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो पहले बड़ा वाला मोमेंटम रखूंगा P2 का स्क्वायर, फिर माइनस रखूंगा P1, यहाँ पे भी 2m आ जाएगा बाय द वे, और
और यहाँ पे पी वन का स्क्वायर अपॉन टू एम, और फिर जाहिर सी बात है मैं टू एम जो है वो नीचे रख लूंगा, एक एक ही इसका जो है वो बना लूंगा कॉमन डिनोमिनेटर। और यहाँ पे याद ये ओके रखना है कि जब भी दो स्क्वायर्स को आप माइनस करते हैं तो उस पर कभी भी होल स्क्वायर नहीं लगाना। जी क्या पूछ रहे हो? सर, आपको कैसे पता चला कि P2 ज्यादा वेट है P2 का? मैंने बोला ना इंक्रीजेस फ्रॉम P1 to P2, ये तो बेसिक इंग्लिश है यार। वन से टू इंक्रीज करो और इंक्रीज लिखा हुआ है ना। जी सर, हाँ अच्छा, तो भाई ये बात याद रखना कि जब आप इस तरह दो स्क्वायर्स होते हैं उस पर कभी भी होल स्क्वायर नहीं लगता, ये दो अलग अलग स्क्वायर ही रहेंगे हमेशा, इन पे अलग अलग स्क्वायर रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास? ए ऑप्शन है, राइट? ओके 10 मिनट और हमारे पास, मेरा सवाल 20 सवाल करने का टारगेट था, देखो हम करीब ही पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो लिखो, करते जाओ, इंशाल्लाह हो जाएंगे। 7 सवाल और करने, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, 10-15 मिनट और लगाते हैं, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। क्या बस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको पढ़ो। मैं अब क्वाइट हूँ, आई एम गोइंग टू लेट यू रीड द क्वेश्चन, आई एम जस्ट गोना हाईलाइट द इंपॉर्टेंट स्टफ। ये सवाल रिपीट है। अब मैंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम जब हम ऐसा सवाल करेंगे तो हम उस पर ज्यादा लंबी डिस्कशन नहीं करेंगे, वी आर जस्ट गोना गो विद दिस। यू शुड नाउ नो कि मैं क्यों यहाँ पे प्लस साइन लगा रहा हूँ, एंड देयर इट शुड नॉट रिक्वायर एनी एक्सप्लेनेशन, राइट? तो भाई 55 ग्राम को आप जाहिर सी बात है केजी में कन्वर्ट करोगे, एम को कॉमन ले लोगे, अंदर जो है वो दोनों स्पीड 30 और 20 ऐड हो जाएंगी। अब जिस बच्चे के फिंगर टिप्स पे है ये रिबाउंड वाले सवाल, जिसने प्रैक्टिस कर लिया उसके बाद अब उसे एग्जाम में देख के बिल्कुल भी मसला नहीं होगा, बोलेगा यार ये तो बच्चों वाला 2 मिनट में करके फारे करेंगे, ये ऑलरेडी सेकंड में, इसको आप करें। क्या आंसर आ रहा है? फाइव फिफ्टी, गुड, 550 आ रहा है। ठीक है भाई, ये सवाल अच्छा है। अब ये है एक्सप्रेशन वाले सवाल, जो कि मुझे पर्सनली जो है वो, मेरा ये ख्याल है कि ये सवाल बच्चों के लिए सबसे ज्यादा टफ होता है, ये वाले सवाल, और वो जो बोलते हैं विच स्टेटमेंट इज करेक्ट या विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, वो जो सवाल होते हैं उस नेचर के सवाल। ये दो टाइप के सवाल ऐसे होते हैं एएस फिजिक्स के P1 में जो सबसे ज्यादा बच्चों को मुश्किल लगते हैं। तीसरा मैं कहूंगा जो डीसी सर्किट्स के क्वेश्चंस होते हैं, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वेयर स्टूडेंट्स स्ट्रगल द मोस्ट। डीसी सर्किट्स में भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं, बल्कि जो एक्सप्रेशंस वाले क्वेश्चन होते हैं वही मुश्किल होते हैं। सो एक्सप्रेशंस वाले और जो कहते हैं विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये सबसे मुश्किल होता है। इसमें कहते हैं विच स्टेटमेंट मस्ट बी करेक्ट, जिसमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए होते हैं और आपको चूज करना होता है, तो वो सबसे ज्यादा ट्रिकी और टाइम कंज्यूमिंग सवाल होता है, उसमें छोटी मोटी चीजें आपको करनी होती है। तो एक्सप्रेशन यहाँ पे ऑल्दो इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप इसको मैथ्स M1 किसने किया हुआ है? M1 मैथ्स का किसने किया मैंने हुआ है? क्यों जो बच्चा M1 मैथ्स कर चुका है उसको तो ये दो बच्चों वाला सवाल लगना चाहिए, क्योंकि तो आप लिटरली इतना सॉल्व करते हो, हर दूसरा सवाल M1 का इसी तरह का होता है, तो उसके अंदर डेडिकेटेड आप इसी तरह की प्रैक्टिस करते हो, तो आपको तो ये बड़ा इजीली जो है वो सॉल्व हो जाना चाहिए क्वेश्चन। दोनों मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है। क्या करना होता है? दोनों मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है। पहले छोटे मास को देख लेते हैं। मास एम जो है बेटा, इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं। कौन सी दो फोर्सेस लग रही हैं? एम जी लग रही है और ऊपर लग रही है टेंशन। और अगर आपने सवाल पढ़ लिया है तो आपको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, व्हेन रिलीज्ड मास एम मूव्स डाउन द स्लोप, विच बेसिकली मीन्स कि ये ऊपर मूव करेगा और ये डाउनवर्ड मूव करेगा। और ये क्यों मूव कर रहा है अपवर्ड और ये डाउनवर्ड क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि इस पे जो इधर फोर्स लग रही है वो ज्यादा लग रही है, ये वाली फोर्स कम लग रही है, और इस पे जो अपवर्ड फोर्स लग रही है ज्यादा लग रही है और ये वाली फोर्स कम लग रही है। सो यू कैन सी मैंने डेलिबरेटली टी को ज्यादा बड़ा बनाया और एम जी को छोटा बनाया। अब अगर मैं दूसरे मास की बात करूँ बड़े एम की, तो वो थोड़ा स्लोप पे है तो उसको उसी तरह बना लेते हैं। ओके ये है मेरा बड़ा एम। अब इसके अंदर सीन ये है कि इस पे जो फोर्स लग रही है ये वाली फोर्स, ये क्या होगी? कौन मुझे बता सकता है? ज्यादा अगर हम डिटेल में जाए बगैर, मेरी फिंगर टिप्स पे हैं अगर चीजें, तो आई नो कि ये कौन सी फोर्स होगी। अब ये वही बात है कि एमसीक्यू के पेपर में चीजें फिंगर टिप्स पे होना, पेपर टू को आप डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व करते हो, वेर यू कैन जस्ट यू नो गो स्लोली, बट एमसीक्यूज में आपकी कुछ चीजें फिंगर टिप्स पे होना जरूरी होती है, विच इज लाइक ये डाउन द स्लोप वाली फोर्स कौन सी होती है?
यू डोंट नीड टू थिंक टू मच अबाउट इट, यू शुड जस्ट राइट इट, आपके बिल्कुल फिंगर टिप पे होनी चाहिए. क्या बात कर रहा हूँ मैं, बताओ मुझे. डब्ल्यू साइन थीटा mg sin θ, गुड, यही चीज. अब एक दफा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट नेक्स्ट टाइम जब भी हम इस तरह का सवाल करेंगे तो हम इसमें बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. आपको पता है कि ये mg होता है, और इस mg के आप दो कंपोनेंट बनाते हैं यूजली. एक होता है डाउन द स्लोप कंपोनेंट, जो कि होता है mg sin θ, जो कि एंगल यहां से मिलता है आपको, और दूसरा जो आप कंपोनेंट बनाते हो वो परपेंडिकुलर टू द स्लोप कंपोनेंट होता है, और वो होता है mg, सॉरी गलत बना दिया, वो तो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी. इस तरह इसका दूसरा कंपोनेंट बनता है, जो कि mg cos थीटा के बराबर होता है. हर बच्चे के फिंगर टिप पे ये दोनों कंपोनेंट्स होने चाहिए, स्लोप के ऊपर जो मास होता है उस पे. सो अभी हम जाहिर सी बात है इस वाले में इंटरेस्टेड है, और यहाँ पे जो इस पे फोर्स लग रही है वो कौन सी है, ये वही टेंशन वाली फोर्स है, एग्जैक्ट वही फोर्स है जो यहाँ लग रही है. ये जो टी है और ये जो टी है ये सेम है. व्हाई आर दे द सेम, बिकॉज दिस इज अ सिंगल स्ट्रिंग, सो स्ट्रिंग स्ट्रिंग में थ्रू आउट द टेंशन सेम होती है. इसके लिए टेंशन इस तरफ है क्योंकि इसको स्ट्रिंग इधर पुल करेगा, और इस वाले के लिए टेंशन इस तरफ है. ठीक है, ये बात भी आपको रियलाइज करनी आनी चाहिए. अब ओवरऑल ये पूरी अरेंजमेंट यू मूव कर रही है, क्योंकि ये जो फोर्स है ये ज्यादा बड़ी है और ये जो फोर्स है ये कम है, राइट. तो अब सारी बात ये बनती है कि क्लियरली हमें पता चल चुका है, क्लियरली वी नाउ अंडरस्टैंड कि यार मेरा जो ये वाला मास है mg sin θ, यहाँ पे मैं ज्यादा अभी निटिग्रिटी में जाने के बजाय, वैसे निटिग्रिटी में जा सकते हैं हम दोनों की, एफ इज इक्वल्स टू एम एन दोनों पे लगा सकते हैं, उसमें भी चले जाऊंगा मैं, एक्स्ट्रा वर्क करके दिखा दूंगा. बट इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू शुड क्विकली रियलाइज कि mg sin θ ज्यादा बड़ा है या mg ज्यादा बड़ा है. चलो पहले खुद बता दो विच वन इज बिगर, बिकॉज नीचे इनइक्वालिटी बनी हुई है, यू शुड रियलाइज दिस. सो विच वन इज बिगर, mg sin θ बड़ा एम जी है साइन या थीटा mg sin θ बड़ा है, तभी ये यू अरेंजमेंट नीचे की तरफ मूव कर रहा है ना. तो कैन आई जस्ट राइट, कैन आई जस्ट से mg sin θ इज ग्रेटर देन mg. Can I just say this and then cancel out g on both sides and then I make sine theta my subject, because सारे क्वेश्चन में आप देख रहे हो सारे ऑप्शन में sine theta या cos theta को subject बनाया हुआ है. So sine theta is greater than small m upon capital M. ये कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन सी है. ठीक है, ये तो हो गया. बट अगर आप इसको लंबे रूट से करना चाह रहे होते तो आप कहते कि यार इस पे भी f is equals to ma लगा लो. f is equals to ma लगता तो यहाँ पे क्या होता, t minus mg होता, और यहाँ पे होता एम ए, और इस पे लगाता मैं तो यहाँ पे होता mg sin θ - t इज इक्वल्स टू एम ए. अब ये भी एम ए नहीं, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे छोटा सा, वो ये है कि यहाँ पे कैपिटल एम आएगा. अब इन दोनों एक्सप्रेशंस में जो दो वेरिएबल आपको कॉमन नजर आ रहे हैं वो ये नजर आ रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो दोनों ब्लॉक्स की सेम होगी, ए और ए, दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन सेम होगी. क्यों सेम होगी बेटा? क्योंकि दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं ना यार. दूसरी चीज जो एक और सेम है वो दोनों इक्वेशन में, ये जो टी और टी जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो सेम हो रहा है. तो मैं यहाँ से टी की सब्स्टिट्यूशन करके इधर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, या यहाँ पे टी को सब्जेक्ट बना के उधर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, या यहाँ पे ए को सब्जेक्ट बना के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, और वाइस वर्सा. सो अनदर वे ऑफ डूइंग दिस वुड बी कि मैं यहाँ पे टी को सब्जेक्ट बनाऊँ, टी को सब्जेक्ट बना के इधर सब्स्टिट्यूट कर दूँ, और जब सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो फिर मेरे पास इनइक्वालिटी तो नहीं बनेगी, इक्वेशन बनेगी, और फिर उसके बाद मुझे उसके अंदर खुद थोड़ा सा अंदाजा लगाना पड़ेगा कि भाई ये वाला मास ज्यादा है, बड़ा एम जो है वो मास ज्यादा है, और छोटा वाला एम जो है वो मास कम है. तो फिर मैं इनइक्वालिटी बना के ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व कर लूंगा. बट मैंने आपको अच्छा शॉर्टकट तरीके से बता दिया कि यू शुड क्विकली रियलाइज कि ये mg sin θ, मतलब इसका सिर्फ ये वाला कॉम्पोनेंट ही इस पूरे वेट से ज्यादा है, और इस बात की बेसिस पे आपने ये क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व कर लिया. सो इट वॉज इन दैट लॉन्ग, इट वॉज इन दैट लॉन्ग. You just needed to make the free body diagram first, which is the first step in solving any dynamics question which involves multiple forces, right? Diagram बना लेते हो तो काम बहुत आसान हो जाता है. तो ये थोड़ा सा था मुश्किल सवाल. अगेन क्योंकि एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन होता है तो वो जरा ट्रिकी होता है. अब ये थर्ड लॉ का सवाल है, और यहाँ पे अब आप बिल्कुल मेरी हेल्प के बगैर मुझे जस्ट सही आंसर देंगे बस. सारे इजी क्वेश्चन है ये, जरा उस वाले से आसान है ये क्वेश्चन, उस वाले से इजी है. वही चार बातें यहाँ पे अप्लाई करोगे आप, चार बातें जो मैंने बताई थी मैं लिख देता हूँ, आंसर आप खुद बताओ. फोर्सेस जो है वो आपने पेयर सही बताना है कि कौन से पेयर सही बना हुआ है. तीन ऑप्शंस में गलत पेयर्स बने हुए, एक ऑप्शन में सही पर बना हुआ है. इक्वल ऑपोजिट सेम नेचर ए बी वाली बात, कि ए अगर बी पे लगा रहे तो बी ए पे लगा रहे. हर डायग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी को रिकग्नाइज करो,
एक ही डायग्राम है जहां पे वो इजीली रिकॉग्नाइजेबल है और आंसर आपको पता चल रहा है कौन सा है। कम ऑन, शाबाश बच्चों, इसको तो टाइम नहीं लगना चाहिए यार, ये तो फौरन आंसर मेरे पास होना चाहिए अभी तक। क्या सीन है बॉयज? फहद, अनस, अली, क्या आंसर है बेटा? करो इसमें तो कोई कैलकुलेशन नहीं इन्वॉल्व। फहद, ए गलत है, ए गलत है, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स ना तो सेम नेचर वाली फोर्सेस हैं और ना ही यहाँ पे दोनों अलग अलग ए और बी ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस लग रही हैं, दोनों फोर्सेस एक गाड़ी पे ही लग रही हैं। सो बोथ फोर्सेस कैन नॉट बी एक्टिंग ऑन ए, दैट्स रॉन्ग। सी में भी यही प्रॉब्लम है, दोनों फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं। डी में भी ये प्रॉब्लम है, दोनों फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं। और इन तीनों ए बी ए सी और डी में ये भी प्रॉब्लम है, ए सी और डी में तीनों में ये भी प्रॉब्लम है कि तीनों फोर्सेस सेम नेचर की नहीं है। क्या लिफ्ट फोर्स और वेट, क्या ये सेम नेचर की फोर्सेस हैं? दिस इज काइंड ऑफ अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड दिस इज बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स, दे आर नॉट द सेम नेचर एंड दे आर ओनली एक्टिंग ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। बोथ फोर्सेस कैन नॉट बी एक्टिंग ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, दे शुड बी एक्टिंग ऑन डिफरेंट टू ऑब्जेक्ट्स। ए बी पे लगा रहा होगा, ए और बी इसको बोलो, देखो ए बी पे फोर्स लगा रहा है और बी ए पे फोर्स लगा रहा है, तो आपका ऑप्शन बी है। क्या अभी समझ में आ गया थर्ड लॉ है सही से या नहीं? आगे और भी थर्ड लॉ के एक दो इस तरह के सवाल आएंगे, प्लीज इनको सही से प्रैक्टिस कर लेना बेटा। ओके, मास, डिस्क्राइब द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास की डेफिनेशन आपने सही रिकॉग्नाइज करनी है, कौन सी मास की डेफिनेशन ठीक है यहाँ पे। मास की डेफिनेशन आपने पढ़ी भी होनी चाहिए और आपको याद होनी चाहिए। ये बेसिकली इनर्शिया को डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे, विच इज लाइक डिस्क्राइब्ड इन द सेम वे एज मास। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी दैट रेजिस्ट चेंजेस इन मोशन, ठीक है। ऑल ऑफ द अदर थिंग्स आर नॉट मास एट ऑल, मोमेंटम इज नॉट मास, वेट इज नॉट मास, फोर्स इज नॉट मास, राइट? कोई भी चीज इनमें से मास नहीं। तो ये आसान क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो आप 10 सेकंड में कर सकते हो। तो देखो, अगर पेपर में ऐसे सवाल आएंगे जो 3-4 मिनट में कर, अमाउंट ऑफ मैटर भी हो सकता है, लेकिन वो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ नहीं ना बेटा, और आपकी जो ए लेवल में डेफिनेशन है वो यही वाली चलती है, अमाउंट ऑफ मैटर छोड़ दो। अच्छा, बाद में ये कर रहा था कि समझो अब इस पेपर के पैटर्न को, कि देखो अगर आपको सवाल ऐसा मिल रहा है पेपर में जो कि लंबी देर से होगा, तो ऐसा भी सवाल मिलेगा जो 10 सेकंड में भी हो जाएगा। सो देर इज ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि यार मसला नहीं है, हर सवाल बहुत मुश्किल नहीं आएगा पेपर में, तो सब कुछ चीजें बैलेंस आउट हो जाती है। चलो अब ये वाला सवाल जो है एक्सप्रेशन वाला है, दिस इज वेयर अगेन थिंग्स कैन गेट ट्रिकी, बट अपना कूल हेड के साथ सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। कार का मास एम है, ही नीड्स टू पुश द कार विद फोर्स एफ इन ऑर्डर टू गिव द कार अ एक्सेलरेशन ए, राइट? द पर्सन नीड्स टू पुश द कार विद फोर्स 2F इन ऑर्डर टू गिव द कार एक्सेलरेशन 3A. Which expression gives the constant resistive force opposing the motion of the car? Right. तो ये गाड़ी है, कह रहे हैं कि गाड़ी पे एक कॉन्स्टेंट रेजिस्टिव फोर्स लग रही है, लेट्स जस्ट कॉल दैट फोर्स आर। इसकी एक्सप्रेशन आपने फिगर आउट करनी है। पहले तो देखो सवाल की रिक्वायरमेंट को समझ लिया कि मुझे ये आर की एक्सप्रेशन निकाल के देनी है। अब बंदा क्या कर रहा है, उसने गाड़ी पे फॉरवर्ड फोर्स लगानी है, कह रहे हैं कि अगर आप फोर्स एफ लगाते हैं और गाड़ी का मास एम है तो उसकी एक्सेलरेशन ए आती है। एक्सेलरेशन ए कैसे आएगी, यहाँ पे एक्सप्रेशन बना सकते हो एफ इज इक्वल टू एम ए के थ्रू। अब दिस इज नॉट गोइंग टू बी ये वाला एफ इज इक्वल टू और ये वाला एम ए से नहीं आएगा। व्हेन आई से एफ इज इक्वल टू एम ए, आई एम सेइंग एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, है ना? तो आप ये नहीं कह सकते कि फॉरवर्ड फोर्स एफ को खाली कंसिडर नहीं करना, रेजिस्टिव फोर्स को भी कंसिडर करना है। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन बनेगा, आप बोलोगे भाई एफ नेट इक्वल्स एम है। अब एफ नेट क्या है यहाँ पे, आगे वाली फोर्स एफ माइनस आर इज इक्वल्स टू एम ए। पहली एक्सप्रेशन ये बन गई, ये पहली एक्सप्रेशन है। उसके बाद कह रहे हैं उसी गाड़ी को, सेम वही कार है, वही कार है, क्योंकि उन्होंने कोई दूसरी कार की बात नहीं की, उसका मास एम ही है, उस पर वही कॉन्स्टेंट रेजिस्टिव फोर्स आर लग रही है, सही है, फोर्स ज्यादा या कम नहीं हो रही, यही आर को हमने ढूंढना है। लेकिन अब इस पर
बंदा जब 2F की फोर्स लगाता है तो एक्सेलरेशन आती है कितनी, 3A की एक्सेलरेशन आती है। कैन यू नाउ मेक एन इक्वेशन और कैन यू नाउ मेक एन एक्सप्रेशन यूजिंग एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए। अब मैं यहाँ पे एम ए के अंदर एम तो वही रहेगा लेकिन ए जो है वो उसकी जगह 3A आ गया। एफ नेट की जगह सही बात है लिखनी पड़ेंगी, 2F लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा आर, हो जाएगा एम, यहाँ पे 3MA आ गया, 3MA आ गया। अब आर की एक्सप्रेशन फिगर आउट करनी है। अगर आप देखो ऑप्शंस को देखो तो सारी एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एम और ए लिखी हुई है, मतलब एफ जो है एक्सप्रेशन में से किसी तरह एलिमिनेट करना पड़ेगा। जब भी किसी चीज को एलिमिनेट करना होता है तो आप क्या करते हो, उसको सब्जेक्ट बना के दूसरी क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट कर देते हो, ऐसे ही होता है ना। या आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो, बट आई कैन मेक एफ द सब्जेक्ट ओवर हियर एंड देन सब्सटीट्यूटेड ओवर हियर एंड देन द एफ विल बेसिकली डिसअपीयर फ्रॉम द कंबाइंड एक्सप्रेशन एंड आई विल हैव माय एक्सप्रेशन ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ एम ए। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम ये एफ जो है इन टर्म्स ऑफ ये क्या हो जाएगा एम ए प्लस आर हो जाएगा, ऐसे ही है। तो मैं यहाँ पे एक बीच में एक्सप्रेशन बनाता हूँ और यहाँ पे डब्बे में सॉल्व करके मैं अपना आंसर निकाल लूँ, क्या हो जाएगा, ये 2 है, इसके अंदर एफ जो है उसके अंदर मैं क्या लिख लूंगा एम ए, ये जो एफ है इसके अंदर क्या हो जाएगा एम ए प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये वाला माइनस साइन आएगा, फिर ये आर जो है इसको एज इट इज आर लिखा जाएगा और उसके बाद ये पूरी चीज राइट साइड पे आ जाएगी। अब इस ब्रैकेट को ओपन करो, ये क्या हो जाएगा 2MA प्लस 2R माइनस R इज इक्वल टू 3MA। अब आपका गोल ये है कि आपने R को सब्जेक्ट बनाना है। देखो कूल हेड रखोगे, वही इक्वेशंस जो नॉर्मली आप कैलकुलेशंस में यूज करते हो उन्हीं इक्वेशंस को अब आपने एक्सप्रेशन निकालने में भी यूज करना है। पैनिक नहीं करना कि भाई ये क्या हो गया भाई मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ये तो इतनी मुश्किल एक्सप्रेशन है। आपने पैनिक नहीं करना, आपने ये रियलाइज करना है कि देखो जैसा मर्जी सवाल हो इक्वेशन जो आप यूज करोगे वो वही होंगी जो आपने पढ़ी भी होंगी, कोई आसमान से उठा के नई इक्वेशन आपको नहीं यूज करनी पड़ेगी। इवन दो द एक्सप्रेशन एट फर्स्ट लुक्स वेरी डिफरेंट, हो जाएगा सवाल। तो भाई ये एंड में आर को सब्जेक्ट बनाया तो 3MA माइनस 2MA इवेंचुअली एम ए आ गई, ये तो आसान सा सवाल हो गया एंड में, एंड में एक्सप्रेशन इतनी सिंपल बन गई। ये आपका आंसर है और आपका आंसर ए आर, बट आप ये तुक्का नहीं लगा सकते थे एम ए, कुड हैव बीन इजीली 2MA 3MA कुछ भी आ सकता है आंसर ऊपर वैल्यूज चेंज करके। ये तुक्का मारने से कभी भी नहीं आता आंसर, अगर आप तुक्का मारते तो आपकी टोटल 25% प्रोबेबिलिटी होती सही आंसर लाने की, वो तुक्का ही होता, सही है। सो आई थिंक यहाँ पे बस कर लेते हैं या कर लें, चलो ये दो ही सवाल है यार, 20 की बात की थी तो 20 पूरे करके ही होते हैं, ठीक है। चलो शाबाश बताओ, दोनों जो है ना वो कर लो, थोड़ा सा टाइम लो अपना, जितना भी इतना रिवाइज किया तो थोड़ा दिमाग लगा के मुझे आखिरी दो करके बता दो। शाबाश, आखिरी सवाल इतना मुश्किल नहीं है, एक्सप्रेशन वाला है लेकिन मुश्किल नहीं है, इजी सवाल है, और ऊपर वाला जो है थोड़ा सा सोचने वाला है। ये ऊपर वाला सवाल बिल्कुल उसी तरह जैसे वो एयर बबल राइज कर रही थी ना, अब इस तरह एक सबमरीन डिसेंड कर रही है, राइज और डिसेंड दे आर ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर। सो सबमरीन नीचे सिंक कर रही है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से सिंक कर रही है, उसमें जो तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो वही हैं ड्रैग अपथ्रस्ट और वेट, उनका कंपैरिजन आपसे पूछा हुआ है, तो कौन सा कंपैरिजन सही है उसको सोचो और बताओ। ये बाय एलिमिनेशन होगा सवाल क्योंकि तीन फोर्सेस इन्वॉल्व हैं लेकिन आप हर ऑप्शन में दो को कंपेयर कर रहे हो, तो बाय एलिमिनेशन जो ऑब्वियस गलत आंसर है उनको एलिमिनेट करते जाओगे तो आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। ये मैं 19 की बात कर रहा हूँ, 20 में बाद में आना। सो व्हेन यू मेक दी व्हाट डू यू डू इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, यू ऑलवेज मेक द डायग्राम फर्स्ट, डायग्राम बनाओ, विजुअलाइज करो, सबमरीन है ये आपकी सबमरीन है, ठीक है। सबमरीन पे तीन फोर्सेस एक्ट करेंगी, वेट तो देखो डाउनवर्ड्स ही होगा, सबमरीन नीचे जा रही है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपथ्रस्ट तो हमेशा अपवर्ड्स ही होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी है मतलब रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए, एफ नेट जीरो होना चाहिए, और क्योंकि सबमरीन डाउनवर्ड्स मूव कर रही है तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ड्रैग फोर्स है वो अपवर्ड्स होगी, इस बात को यहाँ पे रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि ड्रैग फोर्स को आप डाउनवर्ड्स नहीं बल्कि अपवर्ड्स बनाएंगे, अपथ्रस्ट तो हमेशा ही अप होता है, वेट तो हमेशा डाउनवर्ड्स होता है, ड्रैग डिपेंड करता है कि मोशन कैसा है।
नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि इनमें से सबसे बड़ी फोर्स कौन सी होगी. मोस्ट ऑब्वियस बात, सबसे बड़ी फोर्स कौन सी होगी, पहले ये बता दो मुझे विदाउट लाइक गोइंग टू द आंसर. इनमें से सबसे बड़ी फोर्स कैसे होगी. मुझे पता है कि यू प्लस डब्ल्यू, यू प्लस डी मिला के डब्ल्यू के बराबर होंगे, है ना. तो सबसे बड़ी कौन सी हुई, ये वाली फोर्स जो है ये लार्जेस्ट होनी चाहिए विदाउट आ डाउट. अब इनके बारे में हम इतना श्योर नहीं हो सकते कि इनमें से कौन सी ज्यादा बड़ी है. ट्रू. तो सबको देखो वेट से ही कंपेयर किया हुआ आपकी आसानी के लिए, राइट. कहीं भी आप ये देख लो कि अब थ्रस्ट वेट से बड़ा है या ड्रैग वेट के बराबर है या वेट से बड़ा है, तो वो ऑप्शन टोटली गलत होगा. जैसे कि पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है कि ड्रैग वेट से बड़ा हुआ है, ऑब्वियसली रॉन्ग. ड्रैग वेट के बराबर है हो ही नहीं सकता. ड्रैग और अब थ्रस्ट मिल के वेट के बराबर है. तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है कि वेट अब थ्रस्ट से कम है, दोबारा वही बात गलत. वेट तो सबसे ज्यादा है. अगले में आखिरी में लिखा हुआ है वेट अब थ्रस्ट से बड़ा है, बिल्कुल. अब थ्रस्ट और ड्रैग का कंपैरिजन हम विदाउट मोर इन्फॉर्मेशन वी कैन नॉट नो कि अब थ्रस्ट ज्यादा होगा या ड्रैग ज्यादा होगा, ये हमें नहीं पता, राइट. बिकॉज उतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं हमारे पास. लेकिन वेट का कंपैरिजन हमें पता है, वेट सबसे बड़ी फोर्स है, उसका यहाँ पे इजीली पता चल. अच्छा चलो 20 करें, शाबाश. पहले रिक्वायरमेंट, गाड़ी को ऊपर जाना है, कांस्टेंट स्पीड पे ही जाना है. आपसे सवाल ये हो रहा है कि गाड़ी को ड्राइविंग फोर्स कितनी रिक्वायर्ड होगी. ड्राइविंग फोर्स आपसे मांगी जा रही है. आपने सवाल की रिक्वायरमेंट को सही समझना होता है. तो अब ये सवाल आप तुक्का मार के नहीं कर सकते. आपको अगेन एक्सप्रेशन बनानी. कौन सी एक्सप्रेशन बनानी है, क्या यहाँ पे एफ इज इक्वल्स टू एम ए यूज होगी या नहीं यूज होगी, पहले तो ये बताओ. डू यू नीड एफ इज इक्वल्स टू एम ए और नॉट, शुड बी अप्लाई एफ इज इक्वल्स टू एम ए और शुड बी नॉट अप्लाई एफ इज इक्वल्स टू एम ए. क्या गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है या डिसेलरेट कर रही है या नहीं कर रही, हाँ या ना मैं जवाब दे दूँ सर. बिल्कुल इसको बच्चों की तरह ब्रेक डाउन करके कर लेते. गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है क्या, गाड़ी एक्सेलरेट नहीं कर रही. सो यू विल नॉट यूज एफ इज इक्वल टू एम ए. यू शुड नो कि आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो होना चाहिए. अब गाड़ी पे सारी फोर्सेस बड़ी भी नहीं है, बनी भी नहीं है असल में. कुछ फोर्सेस यहाँ पे मिसिंग है. कौन सी फोर्स मिसिंग है, गाड़ी के वेट को कौन कंसिडर करेगा. और वेट का भी एक ही कॉम्पोनेंट है जिसमें हम इंटरेस्टेड है, वो कौन सा वाला है, ये वाला कॉम्पोनेंट क्या होता है बेटा, डब्ल्यू साइन थीटा और डब्ल्यू साइन थीटा एम जी साइन थीटा. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर एफ नेट जीरो है तो ये दोनों फोर्सेस मिला के इसके बराबर होनी चाहिए. या मैं ये कह सकता हूं कि दिस वन माइनस दिस एंड माइनस दिस शुड बी इक्वल टू जीरो. ऐसे ही है ना, आगे की फोर्सेस माइनस पीछे की फोर्सेस. तो कहना है इसे डी एफ शुड बी इक्वल टू द रेजिस्टिव फोर्स एफ प्लस एम जी साइन थीटा. ये मेरी एक्सप्रेशन होनी चाहिए. कहाँ लिखी हुई है ये, डी में लिखी हुई. खत्म खत्म हो गया क्वेश्चन. तो ये आसान क्वेश्चन में, अगेन आई विल नॉट कंसिडर इट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल. ये तो उस टाइप का सवाल ही नहीं जिसमें मुश्किल एक्सप्रेशन है. ये सवाल था मुश्किल. अगर आज मैं कहूँ कि आज हमने मुश्किल सवाल कौन से किए, तो आई वुड से कि हाँ यार ये वाला थोड़ा सा टफ था. इसके बाद मैं ये कहूंगा कि चलो ये वाला थोड़ा सा टफ था. बच्चा पहली दफा हम इस देख के इसको परेशान हो सकता है. ये वाला थोड़ा सा टफ था इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट, मुश्किल ही कंसिडर किया जाता है. तो यस, इसको मैं टफ नहीं कहूंगा यार. एक दफा आपको ये पता चल गया तो बार बार इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. लेकिन चलो अभी मान लेते हैं ये वाला थोड़ा सा टफ था. अगेन एक्सप्रेशन निकालनी है और वर्किंग करनी है अजीब अजीब सी. ये थोड़ा सा सवाल है इंट्यूशन के ऊपर है, तो किसी की सही गलत भी हो सकती है. टफ सवाल है. उसके अलावा आपको मैं बहुत अजीब सा क्वेश्चन मिला ही नहीं. इसको चलो थोड़ा सा मान लेते हैं कि मीडियम डिफिकल्टी लेवल का था क्वेश्चन. सो हमने टोटल 20 सवाल किए, उसमें से मुश्किल सवाल आपको कितने लग रहे हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात. 20 में से ट्रूली जो मुश्किल सवाल है वो सात सवाल, तो इतना को मसला नहीं है.
हाँ भाई, एम जी कॉस थीटा क्यों नहीं होगा बेटा? कॉस थीटा का ये वाला कंपोनेंट होता है फाद, कॉस थीटा इनके साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकता ना, कॉस थीटा ये होता है, वेट का जो कॉस कंपोनेंट होता है वो यूं होता है, हमें ये वाला कंपोनेंट चाहिए था जो साइन थीटा होता है। अच्छा जी, चलें जी, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक है? कल हम कोलिजन्स और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के सवाल करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ऑफिसर।